Assalamualaikum everyone. Well, I've just finished reciting Surah Kahf and it's just a reminder because बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जुम्मा के दिन काम होता है या वो ऑफिस में होते हैं एंड दे कांट एक्चुअली रिसाइट Surah Kahf. सो इट्स माई सजेशन दैट आप थर्सडे के दिन जुमेरात के दिन मगरिब के बाद आप कभी भी पढ़ सकते हो, रात में कभी भी, फजर से पहले एटलीस्ट यू विल फिनिश रिसाइटिंग Surah Kahf. सो ट्राई डूइंग दैट लाइक एवरी थर्सडे आई रिसाइट बिकॉज समटाइम्स इवन ऑन फ्राइडेज यू नो काम आ जाता है या कुछ होता है और जो लोग स्लो पढ़ते हैं उन्हें वक्त लगता है, तो मैं एवरी थर्सडे यू नो इशाबाद बैठ के मैं Surah Kahf पढ़ लेती हूँ. तो वो 15वें पारे पे एंड में आता है, आई मीन लास्ट के जब 6-7 पेजेस बचते हैं तब, और 16वें पारे तक कंटिन्यू होता है 2-3 पेजेस तक. तो आप अपना 15th पारा और 16th पारा के साथ है वो. फजर में 2 रकअत सुन्नत के बाद सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम 100 बार पढ़ें और उसके बाद 2 रकअत फर्ज़ करें और उसके बाद सूरह यासीन और आपके कुरान की तिलावत.